अस्सलाम वेलकम टू इंस्पायर किचन। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का दम का कीमा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत झटपट बन जाता है और बहुत इजी रेसिपी है ये। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया, मटन का भी ले सकते हैं। ये 3 अदर टमाटर थे लार्ज, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तकरीबन 1/2 किलो प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया, और ये कुछ मिर्चें मैं कीमे को भूनते हुए डालूंगी जो मैंने इस तरह गोल गोल काट ली और कुछ स्लाइस में काट ली। और हरा धनिया जाएगा गार्निशिंग के लिए, और इसमें 1/2 कप ऑयल जाएगा। मसालों में नमक जाएगा 1 टीस्पून या हसबे जायका, साबुत धनिया पिसा जाएगा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा सफ़ेद 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1.5 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा 1 टीस्पून, ये लीमू का रस जाएंगे 2 लीमू लिए, इनका रस जाएगा। ये फ्लेम ऑन करती है, इसमें कीमा शामिल करेंगे। और इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। इसमें टमाटर थोड़े से मैं रोक लूँगी। ये जो हमने मिर्चें काटी हुई ये डाल देंगे इसमें। और ये प्याज, और ये तमाम मसाले भी शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाए। कीमा जल्दी गल जाता है, ये हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। तमाम चीज़ें डाल के मैं इसको कवर करके रखूँगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए कीमा पक रहा है, इसमें टमाटर प्याज और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, और ये प्याज भी गल जाएगी इसी में, टमाटर और हरी मिर्च। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं मज़ीद इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए पानी खुश्क हो गया तकरीबन। इसमें मैं 1/2 कप पहले ऑयल डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे, उसकी हम भुनाई करेंगे। पानी इसमें खुश्क हो गया, 1/2 कप मैंने पहले ऑयल डाला था, 1/2 कप और डालूंगी मैं। और ये जो टमाटर मैंने बचा के रखे थे ये भी शामिल कर देंगे। नींबू का रस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, इनको मिक्स करेंगे। अब हम इस ऑयल के साथ इसकी अच्छी भुनाई करेंगे, जितना अच्छा ये भुनेगा उतना अच्छा ये तैयार होगा। पानी खुश्क हो गया तो मैंने ऑयल डाल के अब देखी इसकी भुनाई कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट मुझे हो गए इसको भूनते हैं। ये अच्छी तरह हमने इसको भून लिया, ये ऑयल ऊपर आ गया, आप ये देख सकते हैं। जब इस तरह ऑयल ऊपर आ जाए घी या ऑयल, तो आपकी हंडिया अच्छी भून गई होती है। जितना अच्छा आप इसको किसी भी हंडिया को भूनेंगे उतना अच्छा उसका जायका आएगा। अब ये ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, हरा धनिया, और ये जो हरी मिर्च मैंने लंबाई में काटी हूँ ये डालूँगी। और इसको अब मैं बिल्कुल धीमी आंच पे दाम पे लगा दूँगी।
इसको मैं 2 से 3 मिनट दम दूंगी और इसके बाद इसको बाउल में निकाल। मज़ेदार दम का कीमा तैयार है। आप इसको बकरा इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको और आपके घर वाले पसंद आएगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।